तो खाने के लिए आपने घर में कहलवाया जी। فبعث الى نسائه فقلنا ما معنا الا الماء فقال رسول घर थे नौ घर के अंदर सिवाय पानी के कुछ नहीं था जी। فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم او يضيف هذا एक बात दरमियान में अर्ज कर दूं, मौलाना साद साहब ने भोपाल में तकरीर की है कि दावत और तालीम दोनों सुन्नत के रास्ते से हट गए हैं और मिसाल और दावा क्या किया है कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का इंतज़ाम करते थे, यानी तालिब इल्म की ये ज़िम्मेदारी है कि वो उस्ताद की कफालत करे। कहते हैं कि सहाबा जंगल जाते थे, लकड़ियां काट के लाते थे, उसको जलाने के काबिल बना कर फरोख्त करते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौ घरों के अंदर ताज़ा बकरी का गोश्त रोज़ाना पहुंचाते थे। ये है यानी बहैसियत उस्ताद के कि ये शागिर्द थे और उस्ताद के घर में ताज़ा रोज़ाना बकरी का गोश्त पहुंचाते थे। और हम जो रवायत पढ़ रहे हैं उसमें क्या मिल रहा है, उसमें ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक चाँद निकलता था, दूसरा चाँद निकलता था, तीसरा चाँद निकलता था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरों में आग नहीं जलती थी। और यहाँ आ रहा है कि नौ घरों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी भेजा है और सब जगह से जवाब क्या आ रहा है, मा माना इल्ल माऊ, हमारे पास पानी के अलावा कुछ नहीं है। ये क्या हदीस की तहरीफ नहीं है? यज़वाज मुतहरात के बारे में जो बात कही जा रही है सहाबा के बारे में कि रोज़ाना उनके यहाँ बकरी का ताज़ा गोश्त सहाबा किराम पहुँचाते थे और आज तलबा को खाना मतबख से दिया जा रहा है और साज़ा को तनख्वाह दी जा रही है, लिहाजा तालीम सुन्नत के रास्ते से हट गई है। ये क्या मजाक हो रहा है? ये जितने मदारिस चल रहे हैं, जितने अकाबिर ने मदारिस कायम किए हैं, तालीम गाहों का इंतज़ाम किया है, असहाब सुफ़ा नहीं थे जिनके लिए सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला ला के अंगूर के खोशे लटका दिया करते थे और अंगूर और खजूर के खोशे लटका दिया करते थे और उनको उसी से खाना दिया जाता था? वो रवायत नहीं आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमानों को हवाले करते थे कि भाई इतने को कौन खिलाएगा, जिसके घर में दो आदमी का खाना और तीसरे को खिलाए, जिसके यहाँ चार व पांचवे को खिलाए, सिद्दीक अकबर इतने आदमी को लेकर गए, फला इतने आदमी को लेकर गए। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो ताल्लुक़ था सहाबा किराम का वो सिर्फ उस्तादी और शागिर्दी का था कि उसको और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद पेट पर पत्थर बांधते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पेट पर पत्थर बांधते थे, दो दो बांधते थे। लिहाजा ये कभी इत्तेफाक से कोई जुज़िया पेश आ जाए उसको दायमी मामूल बना कर पेश करना ये तो तहरीफ है कि सुन्नत के रास्ते से मदारिस हट गए हैं, न दावत सुन्नत के रास्ते पर बची है, न तालीम सुन्नत के रास्ते पर बची है। किस कदर ख़तरनाक थी, इसका मतलब ये कि आवाम को ये समझा दो कि मदरसे जो है सुन्नत के ख़िलाफ़ चले जा रहे हैं, लिहाजा आवाम का रिश्ता मदारिस से भी कट जाए और उलमा से भी कट जाए। ये इंतहाई ख़तरनाक रुझान है जो इसका मतलब ये कि सबको बातिल तंजीमों के हवाले कर दिया जाए, उनको न मदरसों से ताल्लुक़ रहेगा आवाम का, न उलमा से ताल्लुक़ रहेगा, फिर भेड़िया आएगा उचक के ले जाएगा उनको। इस पर मुझे ये याद आया कि सहाबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मेहमान के लिए घरों के अंदर कहलवाया है तो सब जगह से यही शिकायत आ रही है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला की रवायत पढ़ चुके हो कि बदबूदार महज जिसमें महक पैदा हो गई थी, ऐसी चर्बी लेकर हुजूर की खिदमत में पहुँचे हदिया के तौर पर और कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौ अजवाज मुतहरात थी और किसी घर में खाने को नहीं रहता था। आपने वफात के वक्त 30 सा जौ यहूदी से उधार लिया है, अपनी ज़रा उसके पास आपने रखी है। किस ज़माने में यह गोश्त दिया जाता था भाई कि वफात के वक्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकरूज़ थे यहूदी के और गल्ला था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रवायत पढ़ चुके हो कि आधा वसक जौ था मेरे पास, रफ पे रखा हुआ था, उसमें से मैं खाया करती थी, एक दफ़ा तौल दिया तो सब ख़त्म हो गया। ये जौ को खाया जा रहा है पका पका के और ये ताज़ा गोश्त रोज़ाना पहुँचा रहे हैं। अफसोस होता है इस तरह की हरकतों के ऊपर। चलो पढ़ो रवायत। فقال رجل من